कोरोना जब भी बढ़ता है हम लोगों को कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, मार्केट बंद करने पड़ते हैं, ऑर्डर बंद करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं। हम समझते हैं आपको तकलीफ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की रोजी रोटी खराब होती है, लेकिन आप ये भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हम उतनी पाबंदी लगाते हैं जितनी जरूरत होती है। हम नहीं चाहते कि आपकी रोजी रोटी खराब हो, हम नहीं चाहते कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी तरह की बाधा आए, पर आपकी जान जरूरी है ना, आपकी सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जी ऑड इवन जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी, हम इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे, आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद देश और दिल्ली वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते दो साल से देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। देश में भी तीसरी लहर जारी है, लेकिन दिल्ली में ये पांचवी लहर है और सबसे ज्यादा कोरोना की मार दिल्ली की जनता ने झेली है। इस दौरान केजरीवाल ने ऐलान किया कि जल्द ही हम कोविड प्रतिबंधों को हटाने और आपके जीवन को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे और उसी दिशा में हमारे काम जारी हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स ने जिस धैर्य के साथ इस महामारी का सामना किया है वो काबिले तारीफ है। ओमिक्रोन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन इसके हल्के लक्षण हैं। 13 जनवरी को करीब 29,000 केस आए थे और दूसरी लहर में भी लगभग इतने ही केस थे। 29,000 केस के समय हमारे 2503 बेड्स भरे हुए थे। बीते 10 दिन की अवधि में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट में 20% की कमी आई है। 15 जनवरी को 30% पॉजिटिविटी रेट की तुलना में आज ये लगभग 10% है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।